morning, friends. Today I'll express my emotions of patriotism in our national language, that is Hindi. 15 August 1947 ये दिन प्रतीक है बलिदान का, बलिदानियों के सम्मान का, हमारे पूर्वजों के आन का और इस देश के शान का। दो पंक्ति इस प्रकार से है दोस्तों, दो पंक्ति इस प्रकार से है कि रावण का वध बिना राम के वनवास के संभव नहीं था, रावण का वध बिना राम के वनवास के संभव नहीं था। और यकीन मानिए दोस्तों, ये स्वतंत्र भारत बिना भगत सुभाष के संभव नहीं था। हमारे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, तो हमने उनको पना दिया, हमने उनको पना दिया। सोचाओ, मेरा मेहमान था, किसे पता था व्यापारी के रूप में वह हैवान था। धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे राष्ट्र पर कब्जा कर लिया, हमारे साथ पशुओं से भी बदतर सुलूक किया जाने लगा। जलियांवाला बाग नरसंहार उन दिनों आम हो गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये देश अब गुलाम हो गया था। कुछ दीवानों ने भारत माता को गुलामी के अभिशाप से मुक्त कराने का बेड़ा उठाया। ये देश से बेहिसाब मोहब्बत करने वाले दीवाने थे, ये देश से बेहिसाब मोहब्बत करने वाले दीवाने थे, ये देश के दूरी के लिए सूली पर चढ़ जाने वाले दीवाने थे। हम सदैव ऋणी रहेंगे इन दीवानों के, जिन्होंने हंसते हंसते अपना सर्वस्व इस देश के लिए निछावर कर दिया। हमारी हंसी के लिए उन्होंने अपनी खुशी कुर्बान कर दी, हमारी हंसी के लिए उन्होंने अपनी खुशी कुर्बान कर दी, इस सर जमीन के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। अंत में दोस्तों बस यही कहूंगी, दीवानों की इस कुर्बानी को व्यर्थ न जाने देंगे। हम बच्चे हैं तो क्या हुआ, इस देश का भविष्य बनाएंगे, क्योंकि वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमा, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। धन्यवाद।